Hi everyone, how's everybody? Welcome to the new episode of Eastern Lord Gaming Channel. So, first of all, apologies. काफी टाइम के बाद एक लाइव वीडियो कर रहा हूँ. कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे सिस्टम सेटअप वगैरह के साथ, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू डू अ बिट अदर काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल. तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट एवरीथिंग इज राइट नाउ. तो लेट्स अगेन स्टार्ट द सीरीज ऑफ लाइव इंटरेक्शन विद यू गाइस. सो आज का हमारा मेन है, हमने एक नई गेम डाउनलोड की, ड्रेक हॉलो. सो इफ यू गाइस आर हैविंग दैट एक्सबॉक्स गेम पास, आपके पास पीसी या और भी एक्सबॉक्स पे है, तो ये गेम अभी न्यूली लॉन्च की है एक्सबॉक्स गेम पास पे, आई गेस 1 वीक और सो. तो आज इस गेम को हम खेलेंगे, फर्स्ट टाइम गेम प्ले है. अभी तक खेला नहीं है गेम को, ना मैंने इसके कोई वीडियोस वगैरह देखे हैं, तो होपफुली एक्चुअल मतलब फर्स्ट टाइम रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे. तो शुरू करते हैं. कैरेक्टर डेवलप कर लें. आजकल एक्चुअली ये कंसेप्ट काफ़ी बता हुआ, लाइक गोइंग फॉर आर्टिस्टिक स्टार्ट, पेंटिंग बेस्ड कोई स्टोरी बेस्ड शूट कर देते हैं. इवन हमने लास्ट टाइम इन माय लास्ट वीडियो राजी में वी हैव सीन दैट एज फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्चुअल गेम प्ले वीडियो स्टार्ट. Not bad, not bad. Game that काफी ज़्यादा heavy नहीं है. It's just 6 GB game. PC पे download version किया है. I don't know about the Xbox पे क्या उसका रहता है. Game का heaviness रहेगा. But मैं भी medium settings to high settings में चला रहा हूँ. तो totally fluency है game में. कोई इशू नहीं है.
ग्राफिक्स आर मतलब ट्रिपल ए ग्राफिक्स नहीं कहूँगा पर ओके ग्राफिक्स हैं। दरवाजा खराब कर दिया हुआ है आई गेस। क्या हम वापस आ सकते हैं? क्योंकि मैं शायद मीडियम ग्राफिक्स लेवल पे चला रहा हूँ कुछ सेटिंग्स तो फॉर स्मूथ गेम प्ले मेरी उसके कारण मुझे ग्राफिक्स कुछ मतलब शेडो फैक्चर वगैरह नहीं दिख रहा। बट हायर गेम एंड पे एक्सपीरियंस कैन बी डिफरेंट बट ओवरऑल ग्राफिक्स आर ओके ऑन दी। Welcome to the hollow. This means another day when I play this kind of you are following my flag. बहुत बोलता है यार ये तो। Okay, that's it for now. Basic configuration.
कंट्रोल्स हैं। Sarah Howell, dear Vice Pro, I know how well you and the Fates. I need to find a warrior strong offering what is instead and I look for any and the adjacent what I am prepared to accomplish. They must work with the regular the power and see how my effects hidden from the temper. तो हमें कुछ ड्रेक्स नाम की एंटिटी हैं, उनको सेव करना है होपफुली, क्योंकि वो सेंस के एनिमल है तो दे कैन बी रिलेटेड टू सम एनिमल वाइल्ड लाइफ। सो हियर वी आर कंट्रोल्स ऑफ द गेम अभी तक लाइक दे आर एट गुड लेवल, सिंपल एंड ईजी है, नथिंग स्पेशल एज ऑफ नाउ, फिर नाउ मैं कुछ बाकी आइटम फॉलो किया देखने को मिलता है। किसी टाइप की श्राइन को हमने करना है। फोकस करते हैं, फीलिंग ग्राउंडेड जैसे गेम की आ रही है, जैसे वहाँ पर भी आप एक जंगल में जा जाते हैं और लाइक यू बिकम वेरी स्मॉल और यू ट्राई टू फाइंड आउट योर वे, तो यू हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ द जंगल। तो नॉट एग्जैक्टली द सेम पर्सपेक्टिव बट ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फीलिंग वैसी आई। गेम थोड़ी कार्टूनिश मोड में है तो नाइस। वन थिंग आई कैन टेल यू दैट इसमें ये एक्शन मोड मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी स्मूथ और
इमिजिएटली रिएक्टिव हो, और मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि आपने कहीं और एक्शन किया फाइटिंग टाइम पे तो उसका रिजल्ट कहीं और देखने को मिल रहा है, गेम प्ले में कोई लैग या कुछ उसमें आ रहा, तो कोई इशू नहीं था ऐसा, एंड दैट्स गुड दैट्स गुड। कुछ और भी कर सकते हैं इसके साथ, नहीं लग तो नहीं रहा। ये क्या है, यूज डिपोर्ट, ये क्या है सर, योर इन्वेंट्री, ओहो एक स्टोरेज डिपोर्ट टाइप है। ई डिपॉजिट क्रिस्टल, सी डिपॉजिट क्राफ्टेड मटेरियल्स, ओके आइटम्स हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। ओके ये आपका सेविंग, मतलब ऐसे और अपने यूनिट्स वगैरह को मिथाइसेस में क्रिस्टल्स को और बाकी चाहे शायद हथियारों वगैरह को चीज़ों को उसमें सेव कर सकते हैं। Terminals, the note mentioned the level of messages, things out the line of expression, को मतलब काइंड ऑफ मनाना, काइंड ऑफ थिंग उनको लीव बनाना है, एंड और हम अगर फोकस करेंगे तो जो उसमें फिर चीज़ें बनानी पड़ेंगी तो वो हमारी हेल्प करेंगी, उनको बचाने के लिए। मेक सेंस। अगर आप समझे बिल्ड अ क्लींस एंड प्लॉट एंड चेक एंड वंस इट्स गुड एंड आई विल टेक। हाँ एक चीज़ बोलूँगा कि भाई इस गेम में मतलब थोड़ा सा जो ट्यूटोरियल है काफ़ी मतलब टेक्स्ट बेस पे है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है अगर कुछ लोगों के लिए, लाइक हु मतलब डोंट वांट टू गो इन टू दिस काइंड ऑफ हैवी ट्यूटोरियल थिंग्स बेस्ड गेम्स, बट आई गेस फॉर फ्यूचर गेम प्ले इट माइट बी वाइज कि आप इन ट्यूटोरियल्स को प्रॉपरली खेलें, ताकि आपको बार बार आगे परेशानी नहीं आए एंड यू कैन इजीली क्लियर अप द गेम। इसमें क्राफ्टिंग एंड ऑल ये चीज़ें बहुत चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के खेलना पड़ेगा इसमें। इट्स नॉट लाइक कि एवरीथिंग इज डन ऑटोमेटिकली सो इजीली, तो अब इसमें हमारे को क्वेस्ट दिया गया है कि आपको एक क्लेंसिंग क्लॉड्रम बनाना है, चॉप ट्री देन कलेक्ट लंबर एंड बिल्ड क्लेंसिंग क्लॉड्रम। ओके फिर हम चॉप ट्री करेंगे, पेड़ को काटेंगे। भाई साहब ये कंसेप्ट बता रहा मुझे कि लकड़ी से लकड़ी काट सकते हैं, लोहे से लोहा काटता है, बट बिहेव नहीं हुआ। इस मामले में आई विल टेल कि भाई ग्राउंडेड इज मच मोर रियलिस्टिक नियर टू द रियलिटी फैक्टर, कि उसमें अगर आपको चीज़ को काटना है और
चाहे वो पेड़ हो या कोई स्टैच्यू हो, तो यू हैव टू क्रिएट एन एक्स एंड ऑल, बट इसमें वो थोड़ा सा रियलिटी का लैक सा कर रहा है। पेड़ काटने पड़ेंगे। एंटर बिल्ड मोड। ओके, बिल्ड मोड में घुसते हैं। हमने इसको क्राफ्ट करना है। ओके, कर लिया हमने। ये सिनेमैटिक्स अच्छे हैं। मैच्स विद द गेम फ्लो। कहानी सुननी है, ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है इसके का, कि मतलब ट्यूटोरियल जिसमें कुछ ज़्यादा ही हैवी रखे हुए हैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब इतना टेक्स्ट बेस्ड ट्यूटोरियल। हाँ, कुछ कोई बोल रहा है, कुछ सुना रही है कहानी, तो उसमें फिर भी थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो रहा था, बाकी टेक्स्ट बेस्ड में थोड़ा सा मोबाइल में गेम्स में ये कंसेप्ट अंडरस्टैंडेबल है, बट एक कंसोल या पीसी बेस्ड गेम में show them you are not जल्दी समझ आ चुकी हैं। अब हम जूस बॉक्सेस में आते, क्या खड़े पैर नहीं हैं बट जंगल में जूस बॉक्सेस, सीरियसली ये क्या भाई। समथिंग इज देयर बट आई कांट बिलीव इट। ग्राफिक्स तो
वाटर प्रोडक्शन और इसमें ग्राफिक्स में थोड़ा सा नहीं हो रहा है, बट अगेन लाइक आई एम प्लेइंग इट ऑन अ मीडियम सेटिंग सो आई डोंट नो। बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें अच्छा है, सूदिंग है, मतलब एक काइंड ऑफ रिलैक्सिंग गेम प्ले इसमें है, फैक्टर का है। फ्यूज बॉक्सेस कहाँ चला गया भाई? समथिंग हैपन? व्हाई? इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेक्स हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज को काम कर सकते हैं। नाइस कंसेप्ट। कैन एक्सपी ब्रेक सप्लाइज फूड तो मिल गया हमको, वाटर मिल गया, एंटरटेनमेंट भी है हमको, मतलब
हमको उनको एंटरटेन भी करना है। वाह भाई सही है। डिफरेंट गेम है, कुछ हद तक फैक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग है आई गेस। ये गेम जो है कोऑप पे भी अवेलेबल है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, जैसे ग्राउंडेड को भी। सो इन दैट मैनर अगर आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेलोगे तो आई गेस इट विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। ये बफ चाहिए तो एक्स्ट्रा आइटम्स रख सकते हैं। ओके मेक सेंस। तो ये आपका इसमें मैप है। व्हाट और आइटम्स आई हैव, मेरे बैग में शूज हैं, पिस्टल हैं, डंडी है। Stay. You can unlock new improvements by using schematics. Audio pathing. This video helper. Use the play. On this screen, you can drag the sound spatula to the window pressing on the lower workshop and mask workshop. Surviving the ether. In order to travel, you need to build an ether board. All ether requirements. Items in the upper right of the screen shows how much stuff you've got in your hand. डिसीजंस के लिए खाना कम है खाना।
सकते हैं, ये तो मतलब ये तो जबरदस्त न्यूज है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दिस वीडियो, और प्लीज डू कमेंट लाइक विच ऑल गेम्स यू वांट टू सी देयर रिव्यूज, द गेम प्लेस, ताकि लाइक यू कैन ब्रिंग बैक दोस गेम प्लेस, उन गेम प्लेस को हम आप तक ला सकें। तो आपको यह थिंक यू कैन हेल्प लाइक दिस एक गेम स्पॉट सुनाने के लिए बैठ ना गए। को सेव क्विक चाहिए, क्विक। क्विक चाहिए, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बोलूँगा इस गेम को खेलने का। मतलब कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने जैसे ग्राउंडेड बेस पे उठाई हुई हैं, बनाई हुई हैं। कुछ चीज़ें आपको मतलब लाइक अगर आप जंगल में लाइक दोज गेम्स वेयर यू हैव टू लिव इन टू अ जंगल एंड सेव योर सेल्फ बाय गेटिंग अकस्टम टू द जंगल नीड्स, तो यहाँ पे उल्टा है थोड़ा सा। लाइक आप अपनी नीड्स को नहीं सफाइस कर रहे, आप मैजिकल क्रीचर्स की नीड्स को सफाइस कर रहे हैं, ट्राइंग टू सेव देम। ओके अब हमने पॉपेट बनाया, पॉपेट इसके लिए चाहिए कटेल। ओके कटेल मैंने देखा था तुमको, सारे कैटेगरीज को खा लेते हैं।
ओके गाइस, वेलकम बैक। तो कंटिन्यू रखते हैं गेम का सेशन। एंड अब हमने एक क्यूरियो वर्कशॉप बना दी है। तो लेट्स सी एक क्यूरियो वर्कशॉप क्या करती है। द सिंपल क्यूरियो वर्कशॉप इज इश्यूड फॉर R&D। ओके, R&D पर्पस के लिए है। New curios, useful gadgets and knickknacks. Once you have unlocked a receipt here, you can always make more anywhere from your build menu. Okay, तो इसमें हमारे को नई चीज़ों का क्राफ्ट करने की रेसिपीज को डेवलप करना है। ओके, तो यहाँ पे पहला है हमारा एथर वॉल्ट, ग्लोइंग चार्ड और शूल इसके साथ। लाइट हाउस को विजिट करना है। अरे बैठ के कर गया, बैठ चला गया। नथिंग एट इट। हमको इसमें ब्लू बेरीज को डालना पड़ेगा, मतलब जो भी बेरीज थी। Thank you.
देखकर इसको लेंगे और को लेंगे इधर उधर उधर। चलो भाई उनको खाना दो। और भी मतलब एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं क्राफ्टिंग, हाइकिंग, एडवेंचर, हर टाइप के एलिमेंट्स को इसमें मिलाया गया है। तो इंटरेस्टिंग गेम है, और जैसे मैंने कहा ये कोऑप गेम भी अवेलेबल है, तो आई गेस उसमें खेलना फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, लाइट हाउस भाई पहुंचना कैसे उधर, कौन सा रास्ता जाएगा? इसमें अगर गए तो टपक ही जाएंगे हम तो। अब इसको यूज करेंगे। हम कहाँ पे मर गए थे? अच्छा ये यूनिक फीचर है, मरने के बाद अपनी ही लाश को खींचने का। ओके ओके गुड गुड गुड। हम अपनी ही लाश को खींच के जिंदा हो गए हैं। पर इस हिसाब से आप लाइक इसमें कभी भी मर नहीं सकते ना, आई गेस। हमने एक और ड्रेक को जिंदा कर दिया। थैंक यू। दिख रहे हैं।
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया वो जानवर, वो जाना है भाई। जंप डाउन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हमको गन मिल गई है, गुड गुड गुड। नाइस फ्लो आइटम्स को यूज करने के लिए। ओके सेशन क्लीड वाली फीलिंग दिखा रहे हैं तो मैं आपको देखने के लिए आई गेस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी बड़ा मैप है, गेम भी काफ़ी है, और भी आपके इसके गेम प्ले के वीडियोस हम आपके पास लाएंगे। और कैसा रहा हमारा ये कंप्लीट गेम प्ले वो आपको फिर दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ हम कोऑप मिशंस में भी आपको दिखाएं हाउ यू कैन डू द थिंग्स डिफरेंटली जब आप अपने टीममेट्स के साथ खेल रहे हैं। तो ओवरऑल गेम जो है मैं कहूँगा सेव करने से पहले
ओवरऑल गेम प्ले मैं कहूँगा कि गुड वन, डिफरेंट गेम प्ले है। एक ही इसमें मेजर बोरिंग फैक्टर है जो स्टोरी लाइन को, ट्यूटोरियल्स को समझाने के लिए, मतलब क्वेस्ट को देने के लिए आपको बार बार टेक्स्टेड मटेरियल को पढ़ना पड़ता है रैदर देन विद सम एनी इंटरेक्शन। वो एक थोड़ा सा बोरिंग सा पार्ट है इस गेम का। बट अदर देन दैट, जैसे मैंने कहा कि आप अगर आप फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे तो ये गेम ज़्यादा मज़ेदार रहेगी। और हाँ, एडवेंचर गेम है, क्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ इसमें आपको मटेरियल क्राफ्टिंग वगैरह करना है। तो इन्होंने इस गेम में मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं हर टाइप की एडवेंचर गेम्स का जो एक टेस्ट लाने की कोशिश की है। एंड जैसा अभी आपने देखा असैसिन्स क्रीड का, इन्होंने एक टाइप का व्यू उठाया हुआ कि अगर आप किसी टावर के टॉप पे जाके ओवरऑल मैप को स्कैन करना चाहते हैं, और वो फैक्टर था। फिर ग्राउंडेड से कुछ फैक्टर्स उठाए थे एंड मिला जुला एक मिक्सचर सा है। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक मतलब काइंड ऑफ कंप्लीट फीलिंग आती है गेम को, मतलब कहीं पे भी कुछ अधूरा सापन नहीं है इस गेम में। एंड आगे भी हम जैसे और गेम इस गेम को आगे भी खेलेंगे तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे उसकी वीडियोस वगैरह, एंड विल लेट यू नो मोर अबाउट आर व्यूज़ अबाउट इट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाला जो हमारे को और भी आपको कोई गेम्स के रिव्यूज़ देखने हैं, कोई भी कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर डालें, लाइव चैट में ज़रूर डालें, ताकि हम वो गेम प्लेस और रिव्यूज़ आपके पास ला सकें। सो फॉर दैट, टिल द टाइम, सायोनारा, गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थम्स अप।